छाए में रखो। देसी गाय का एक रात दिन का गोबर गोमूत्र 8 से 10 किलो गोबर है, 8 से 10 किलो गोमूत्र है, आप उस ड्रम में डाल दो। 1.5 से 2 किलो गुड़ और 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन और 1 मुट्ठी मिट्टी उसमें डाल के लकड़ी के डंडे से 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम 4 दिन घोलना है। 5वें दिन 1 एकड़ का खाद तैयार है और ये घोल 10-12 दिन के बीच में 5 से 12 दिन के बीच में खेत में डल जाना चाहिए क्योंकि जीवाणु उसमें बहुत बढ़ेंगे। अब कैसे बढ़ेंगे अब बोलना है आपने, गाय के 1 ग्राम गोबर में कितने जीवाणु हैं? 300 करोड़। बोलो भाई 300 करोड़। जब 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ है तो 10 किलो गोबर में कितने जीवाणु होंगे? असंख्य असंख्य होंगे ना, उनकी गिनती नहीं हो सकती। और उन जीवाणुओं को दाल का बेसन प्रोटीन मिल गया उससे वो बलवान बनेंगे और गुड़ उनको मल्टीप्लाई बढ़ाने का काम करेगा और मिट्टी के जीवाणु उसमें मिलेंगे तो वो इतने बढ़ेंगे कि उनकी गिनती नहीं कर सकते। जब आप पानी से खेत में दोगे, ड्रिप से दोगे, स्प्रिंकल से दोगे तो खेत में पूरे में मिट्टी में जो जीवाणु से मिलेंगे और वो क्या काम करेंगे, वो मेरण का काम करेंगे। मेरण समझते हो? समझते हो? जैसे 1 क्विंटल दूध में 1 चम्मच दही डाल दो तो सारा दूध दही में बदल जाएगा कि नहीं? ऐसे ही जब ये खेत में जाएगा जीवाणुओं को इतना बढ़ाएगा कि ये जीवाणु ही आपके पौधे के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। अब ध्यान करो, पौधे को खाद नहीं चाहिए और पौधे को पानी भी नहीं चाहिए, पौधे को नमी चाहिए, नमी, और खाद नहीं जीवाणु चाहिए। अब बोलना है तुमने, जंगल में जो पेड़ खड़े हैं, जंगल में जो पेड़ है उनको यूरिया कौन देता है? कोई नहीं। बड़े कमजोर विद्यार्थी बिठाए मेरे सामने। कोई नहीं। जंगल में पानी कौन देता है? कोई नहीं। यूरिया कौन देता है? कोई नहीं। डीएपी कौन देता है? कोई नहीं। कीटनाशक कौन डालता है? कोई नहीं। अलविमा जब समय आता तो जंगल का पेड़ फलों से लद जाता है और एक पेड़ के पत्ते को लैब में ले जाओ प्रयोगशाला में, 1 तत्व की कमी नहीं मिलती। तो प्राकृतिक खेती क्या है? जो नियम जंगल में काम करता वही नियम हमारे खेत में भी करना चाहिए। वो प्रकृति तो मेरा खेत भी प्राकृतिक बने और ये बनेगा इस पद्धति से। समझ में आई बात? अब अगली बात ध्यान से सुनो, ये जो जीवाणु है ना, जितने जीवाणु खेत में बढ़ेंगे यही आपके खेत का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाएंगे। यही जान है खेत की। धरती आकाश में 78% नाइट्रोजन है। कितनी है? 78% नाइट्रोजन आकाश में है और ये जो जीवाणु है ये उस नाइट्रोजन को खींचते हैं और आपके पौधे के लिए भोजन बना करके देते हैं। अगली बात, यहां कोई साइंटिस्ट है क्या, कृषि वैज्ञानिक बैठे हो? आप बैठे हैं, प्लीज, बहुत अच्छा, आप आगे आ जाओ ना, अगली लाइन पे आओ जी। ये सौभाग्य की बात है हमारे बीच में साइंटिस्ट महोदय एग्रीकल्चर से। अब आपने और मैंने तो ये साइंस पढ़ी नहीं है, ये विद्वान आदमी इसके
इसलिए मैंने निवेदन किया ये हाथ उठाकर समर्थन करेंगे और आपकी समझ में बात आएगी। तो पौधे को जो हम यूरिया डीएपी इसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, उसको चाहिए जीवाणु, और जीवाणु अगला क्या काम करते हैं, जो धरती है ये रत्न गर्भा है, इसमें पौधे को खुराक देने के लिए सारे तत्व हैं, सब तत्व हैं धरती में, लेकिन वो तत्व जो है वो गांठ बांध करके पड़े हुए हैं, अपने आप भोजन पौधे को नहीं देते। कैसे नहीं देते अब समझना, आपके घर की किचन में रसोई में पाकशाला में चावल भी है, दाल भी है, मीठा भी है, तेल भी है, नमक भी है, जीरा धनिया भी है, सारी चीज रखी है, लेकिन बिना पकाए भोजन बन जाएगा क्या? बनाना पड़ेगा ना। बस यही चीज भोजन बनाने का काम पेड़ के लिए, जैसे हमारी माताएं बहनें इन सारी चीजों को लेकर के गूंदती हैं, पीसती हैं, डालती हैं, भोजन पकाने का काम करती हैं, वही काम ये जीवाणु करते हैं, जो भोजन धरती में पड़ा हुआ है उसका पका करके पौधे की जड़ को देने का काम ये जीवाणु करते हैं। ठीक है जी, ये देखिए समर्थन आई समझ में बात, जितने जीवाणु होंगे ज्यादा उतना ज्यादा बढ़िया भोजन आपके पौधे को मिलेगा। ये काम देसी गाय के गोबर में विद्यमान है। समझ में आ गई यहां तक बात? अब अगली सुनो, जब आप खेत में जीवामृत घन जीवामृत डालोगे तो मित्र जीव पैदा होंगे, मित्र कीट पैदा होंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी और वो आपकी मदद के लिए आएंगे, आपके जमीन के उर्वरकता को बढ़ाने का काम करेंगे, और उनमें सबसे पहले आएगा हलसिया। हलसिया समझते हो? जो हल की तरह काम करे वो हलसिया है। हलसिया है खेतों में, खत्म है, केवल उनके खेत में है जो प्राकृतिक खेती करते हैं। उनके खेत में कभी कभी दिखता बेचारा मरा सा, बूझा सा, कमजोर सा, जैसे टीबी का मरीज हो, वो भी मार दिया आपने, सब खत्म कर दिया। कैसे खत्म किया अब बोलना मेरे को। आप एक हलसिया अपने खेत से पकड़ के लाओ और इस टेबल पे मेज पे रख दो और उस हलसिये के ऊपर यूरिया डालो, वो जिएगा या मरेगा? मरेगा ना। और उसी हलसिया के ऊपर गाय का गोबर डाल दो, फिर परिवार बढ़ाएगा कि नहीं? तो फिर यही काम तो आप कर रहे हैं, मारने का कर रहे हो या बचाने का? क्यों साहब? और हलसिया जैसे दुनिया भर के जीव हैं, ऐसे जीव हैं जो आपके सहायक हैं, मित्र हैं, खेती करते हैं। आपने हलसिये को काम करते देखा है? है ही नहीं, तो काम करते कहाँ देखा है? है ही नहीं। मैं बताता हूं, मैं खेती करता हूं ना, मेरे खेत में इतना हलसिया है कि यदि बारिश हो जाए ना तो जो रास्ते बना रखे हैं उस पे चल ही नहीं सकते। करोड़ों हलसिया मैदान में आ जाता है पर वो रात दिन काम करता, बिना पैसे का मजदूर है। आप जानते हो कैसे काम करता है हलसिया? हलसिया देखो यूं धरती में जाता है और दूसरे छेद से आता है, इससे जाता है, इससे आता है, इससे जाता है, इससे आता है, जिस छेद से जाता उसे भी नया छेद बना के आता है और वो धरती में 10-12 फीट तक पहुंच जाता है और जो खनिज है ना धरती में उनको खाता है, पेट से निकालता है और 12-13 तरह के पोषक तत्व आपके पौधे की जड़ को देता है। ये काम करता हूं
और जब मरता है तो खाद दे जाता है, और अपने जीवन काल में हजारों केंचुए पैदा करता है, वो अंडे इतने देता है, बहुत परिवार बढ़ाता है। और जब ये छेद बनाता है ना, तो अपने शरीर से पसीना छोड़ता है, उस वर्मी वॉश से छेद को लीपते हुए जाता, वो छेद जल्दी बंद नहीं होता। और उससे क्या होता है, जब आप प्राकृतिक खेती करेंगे, आपके एक एकड़ में 4-5 लाख हड़सिया पैदा हो जाएगा, 4-5 लाख, और वो रात दिन छेद करेगा तो आपकी सारी जमीन को उलटेगा, हल की तरह काम करेगा, मुलायम बना देगा और मिट्टी की ताकत बढ़ाएगा खा खा करके। और ये जो छेद है ना, इनसे ऑक्सीजन 10-12 फीट तक जमीन को मिलेगा, और ऑक्सीजन जमीन को मिलेगा तो वो उपजाऊ बनेगी। दो काम हो गए, अब तीसरा सुनो, आपके खेत में जब हलसिया काम करेगा, चारों तरफ मिट्टी से खेत लगाया हुआ है, ऊपर से बारिश पड़ेगी, तो बारिश पड़ के सारा पानी इन्हीं छेदों से धरती के पेट में चला जाएगा। वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए करोड़ों रुपया खर्च करना जरूर देनी पड़ेगी। समझ में आई? अब मेरे को हाँ ना में उत्तर देना, पुराने लोग बताएंगे, जब ऐसे बारिश होती थी और आप रासायनिक यूरिया नहीं डालते थे तो खेत में बुलबुले उठते थे कि नहीं? उठते थे ना। वो क्यों? क्योंकि जो पानी जमीन में जाता था वो हवा छेद की बार आती थी। लेकिन अब भी बुलबुले उठते हैं क्या खेत में? अब क्यों नहीं उठते? आपने यूरिया डीएपी डाल के सारे मित्र जीव मार दिए, हलसिया मार दिया, दूसरे जीव मार दिए, और धरती की परत पत्थर बना दी, सख्त हो गई। अब पानी बरसता है तो पानी बह करके नदियों में जाके बाढ़ लाता है, यही होता है कि नहीं? और पहले पानी बरसता था तो सारा धरती के पेट में चला जाता था, बाढ़ आती नहीं। अगला काम, तीसरा, जब अकाल पड़े, धरती पे पानी ना हो, जून का महीना हो, लूएं चलती हो, ऐसे गर्मी के समय ये जो हलसिया के छेद है ना, इनके नीचे गर्मी के कारण धरती में वाष्प बनेगा, वाष्प, क्योंकि जमीन में तो पानी है, नमी है, वही वाष्प इन छिद्रों के द्वारा ऊपर आएगा और आपके पौधे की जड़ की सिंचाई करेगा। इसका क्या होगा, अकाल में भी पौधा नहीं सूखेगा और ज्यादा वर्षा से पौधा मरेगा नहीं, दोनों काम इससे हो। आपने नोट किया होगा, मेरे कुछ खेड़ित भाई जो प्राकृतिक खेती करते हैं, अभी जो बारिश हुई पिछले दिनों, जो प्राकृतिक खेती करते थे उनकी फसलें बच गई और जिन्होंने रासायनिक की उनकी मर गई, आया ना भाई? ऐसा हुआ है ना? वहां यही कारण हुआ है कि इनके खेत का पानी धरती के पेट में चला गया और आपका खड़ा रहा, उसने फसल को गला दिया, मार दिया। ये प्राकृतिक खेती उसका परिणाम। ये बात समझ में आई कि नहीं? इतनी तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरी पुस्तक लो, सेंजलिया जी के पीछे पढ़ो, या आप लोगों का एक कैंप अलग से 2-3 दिन का लगवा सकते हैं, इनके पास ट्रेनर हैं, आप 4-5 दिन निकालो और अच्छी तरह कॉपी पेन लेकर के नोट करो और इस जहर वाली खेती को छोड़ दो, नहीं तो आप बहुत बड़े पाप के भागी बन रहे हैं। और ये संत चाहते हैं कि हमारे भक्त पाप के भागी ना बने,
आप पता नहीं कितने जीवों को मार रहे हो जहर डाल करके, धरती को बंजर बना रहे हो, पानी पीने लायक छोड़ा नहीं, हवा प्रदूषित हो गई, गौ माता का अपमान हो रहा है, आपकी आय घट रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। यदि आप प्राकृतिक खेती करोगे आपका उत्पादन घटेगा नहीं, खर्चा होगा नहीं, तो इनकम बढ़ गई क्या नहीं? जो माननीय प्रधानमंत्री जी अभियान चला रहे कि भारत के किसान की आय 2022 तक डबल हो, इससे डबल होगी, ये तरीका। आपकी जानकारी, हिमाचल प्रदेश में मैं 4 साल गवर्नर रहा, मैंने खेती वहां शुरू की थी, वहां इस समय 1.5 लाख किसान, छोटा प्रदेश है, इसी खेती को करते हैं, और उनकी रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में आया है कि वहां के खेडूत की 27% आय बढ़ गई है और उनकी 56% खेती की लागत घट गई है। होगी ना डबल दोनों को जोड़ोगे तो आप भी अब हाथ उठा करके ईमानदारी से झूठ नहीं बोलना। मेरी बात कुछ समझ में आई कि नहीं आपकी? आई है तो इस खेती को करोगे या नहीं? अब जो करेंगे, मेरे को इतनी दूर से मैं आया और ये संत लोग बेचारे रात दिन आपकी चिंता में लगे रहते हैं, हमें भी तो कुछ संतोष होगा। आप हाथ खड़ा करके जो करें, जो ना करें वो हाथ खड़ा मत करना। जो ईमानदारी से इस खेती को करने का संकल्प लेते हैं वो हाथ खड़ा करके बताओ कि हम ये खेती करेंगे। धन्यवाद। काफी हो गए, काफियों ने अभी नहीं खड़े किए, इसका मतलब वो पाप करते रहेंगे, लोगों को अस्पताल में भेजते रहेंगे, कैंसर करते रहेंगे। ठीक है, अंत में एक चीज और मैं समझाना चाहता हूं। इस खेती के मूल सिद्धांत, एक तो बीजामृत हो गया, बीज शोधन करना, एक जीवामृत हो गया, एक घन जीवामृत सूखा खाद होता गोबर की, उसमें यही 3 चीज मिलानी पड़ती है, गोबर और बेसन और मिट्टी, वो घन जीवामृत। तीसरा इसमें आच्छादन। आप एक बहुत बड़ी गलती करते हो, भूल करके भी खेत में अवशेष नहीं जलाने, यदि जलाओगे तो खेती बंजर हो जाएगी। आप सबसे मैं पूछता हूं, कुंभकार घड़ा बनाता, कुंभकार घड़ा समझते हो ना, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी से पकाता है ना, मिट्टी से, वो जो घड़े की मिट्टी है उसको तोड़ करके चूरा बना करके उसमें दाना बीज करके देखो, वहां फसल पैदा हो जाएगी क्या? क्यों भाई, नहीं होगी ना। तो जो लोग खेत में आग लगाते हैं वो खेती को ऐसे ही बर्बाद करते हैं, वो बंजर हो जाए। कभी अवशेष मत जलाओ, जब भी दो फसल हो उनके बीच में जो समय लगे उसमें हर समय इक्कड़ बो देना चाहिए, उसको उसी में काट देना चाहिए। ग्रीन फोल्डर कोई मिले उसको काट दो, अवशेष मिले उसी में मिलाओ। क्यों? क्योंकि जो जीवाणु है, आपने जीवामृत में तो जीवाणु बचाने के लिए उनका भोजन दे दिया बेसन से, लेकिन खेत में उनको जीवाणु जो मिलेंगे खाने का भोजन वो यही है। ये तो सूखा घास फूस है ना, वो उसको खरपतवार को क्या कहते हैं, नंदीमन, निंदामन, निंदामन, जो निंदामन है उसको खेत में काट के वही बिछा दो, खेत को ढक के रखो, ज्यादा कल्टीवेशन बाने की जरूरत नहीं खेत की। क्यों? 35 डिग्री से ज्यादा तापमान धरती का बढ़ेगा तो उसका ऑर्गेनिक कार्बन उड़ जाएगा, वो बंजर हो जाएगी, और ऑर्गेनिक कार्बन आकाश को तो प्रदूषित करेगा
और धरती की ताकत को कम करेगा, इसलिए उसको ढक के रखना चाहिए, फसल के बीच में उसको बिछाओ। बिछाने से क्या लाभ होंगे? एक तो निंदामण पैदा नहीं होगा, लेबर बच गई। दूसरा, ढकने से ऑर्गेनिक कार्बन नहीं उड़ेगा, दो काम हो गए। तीसरा, ये निंदामण जो है या इस पर आच्छादन जो है, मल्चिंग जो है, वो आकाश की नमी को खींच के धरती को देगी। पानी 50-60% कम लगाना पड़ेगा। कैसे कम लगाना पड़ेगा समझो, आप अपने अवशेष का एक गट्ठा बनाओ, गट्ठा समझते हो ना, और खेत में डाल दो। किन दिनों? जब लूएं चलती हैं, पानी ना हो, गर्मी का मौसम हो, धरती सूखी पड़ी है, आपने गट्ठा डाल दिया खेत में, सारी जमीन सूख रही है, लेकिन उस गट्ठे को आप उलट करके देखो, उलटोगे तो उसके नीचे नमी मिलेगी या नहीं, बोलो हाथ खड़ा करके, नमी मिलेगी कि नहीं? अब बताओ, जब सारा खेत सूखा पड़ा है और लूए चल रही है, तो वहां नमी कहां से आ गई? आकाश से। इस अवशेष ने नमी खींच के धरती को दे दी। यदि आप आच्छादन बिछाओगे तो आपको 50-60% पानी देने की जरूरत नहीं, और पेड़ को पानी नहीं, नमी चाहिए। पानी नहीं, नमी चाहिए, उससे काम चलता उसका। समझ में आई? अगली बात, ये निंदामण या मल्चिंग करोगे तो हलसिया जो है ना, वो दिन में भी काम करेगा और रात को भी काम करेगा। अब हलसिया दिन में काम नहीं करता, क्यों? उसको पता तो बाहर निकलेगा तो पक्षी उड़ा तेरे को मार खा जाएंगे। पक्षी से डरता हुआ अंदर रहता है, आप उसको ढकेंगे तो अंधेरा रहेगा, पक्षी को दिखाई नहीं देगा तो काम करता रहेगा। समझ में आई? तो आप इन चीजों को समझ के प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ो, ये आपका भविष्य है, देश का भविष्य है, आपके बालकों का भविष्य है। यदि आप यूरिया डीएपी यूरिया डालते रहे तो आने वाली आपकी पीढ़ियां बंजर जमीन लेंगी, पानी उनको मिलेगा नहीं, पर्यावरण दूषित हो जाएगा। लोग इस जहर को खा के अस्पताल भेज रहे, ये पाप हम कर रहे हैं, तो सारा पुण्य कमाना है, यही ईश्वर की पूजा है, यही परमात्मा का आशीर्वाद लेने का तरीका है। तो मैं स्वामी नारायण मंदिर के बक्सरा के सभी संतों को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ, इनका स्वागत करता हूँ कि ये संत लोग इस मिशन पे लगे हुए, और जो आप जैसे भगत जन ये चाहते हैं कि आप आबाद हो, संपन्न हो, सुखी हो, देश संपन्न हो, तो इस दृष्टि को पूरे गुजरात में युद्ध स्तर पर हमने बढ़ाना पड़ेगा। आप मिल करके इस अभियान के साथ जुड़े हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और संतों का भी अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।